नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे IBPS, RRB, PO और क्लर्क के ऑफिशियल मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये आप लोगों को देख के जाना चाहिए क्योंकि इसी प्रकार का आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, इसी प्रकार का आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इंटरफेस कैसा होगा, किस तरह से आप लोग अटेम्प्ट करना है, क्या क्या आप लोग का बात ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को देखना है। तो सबसे पहले RRB वाले सेक्शन में जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जब RRB वाले सेक्शन में चले गए, CRP RRB के सेक्शन में चले गए, तो सबसे ऊपर जो दिख रहा है RRB 10, उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, एक नया पेज अभी खुल जाएगा। आप देखिएगा, यहाँ नीचे जाएंगे, सबसे नीचे चले जाइएगा। यहाँ देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन से पहले देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर मॉक टेस्ट फॉर द पोस्ट स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंस मल्टीपर्पज़। इस पर क्लिक कीजिएगा, इस लिंक पे, तो एक नया पेज खुला। देखिए, मॉक टेस्ट का लिंक खुल गया और इसी तरह का आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, प्लीज सेलेक्ट दी स्टेट अप्लाई, मतलब कौन से स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया। तो अगर आपका स्टेट यहाँ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो बाकी जितने भी स्टेट है जहाँ पे हिंदी बोले जाते हैं, वहाँ के लिए रिमेनिंग स्टेट को आपको सेलेक्ट करना होगा एग्जाम में भी। और यहाँ भी सेलेक्ट किया आपने कि कौन से स्टेट के अप्लाई किया, तो रिमेनिंग स्टेट जहाँ हिंदी बोला जाता है, अब यहाँ क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम नेम लिखा होगा, सिस्टम नंबर लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फोटो और यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा। और यहाँ पे देखिए, आपको रोल नंबर देना है और यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड देना है। और कैसे देना है, ऐसे रोल नंबर आपको वर्चुअल कीबोर्ड से देना है, जैसे 3 4 ऐसे करके आप दे देंगे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और पासवर्ड में यहाँ पे ही क्लिक कीजिएगा, पासवर्ड भी आपका हो जाएगा। अब साइन इन कर दीजिएगा, साइन इन कीजिएगा, जो भी आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है जो भी होगा उससे साइन इन कर दीजिएगा, रोल नंबर और पासवर्ड से। अब ये इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आप ये इतना इंस्ट्रक्शन जानते होंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद है नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कर देना है, केवल नेक्स्ट कर दिया अभी हमने। अब इसके बाद यहाँ क्या करना है, लैंग्वेज आपको सेलेक्ट नहीं करना है, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, केवल एक चेक करना है क्योंकि आपने पहले ही रिमेनिंग स्टेट किया, क्वेश्चन इंग्लिश में होगा और रीजनल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। अब चेक किया, आई एम रेडी टू बिगिन कर दिया, जब बोला जाएगा एग्जाम में, एग्जामिनर जब बोलेगा तब करना है आपको ये काम। उसके बाद जो इंटरफेस होगा, एक्चुअल इंटरफेस आपके सामने आ गया। ये कि यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है, MCQ टाइप है, यहाँ पे MCQ लिखा हुआ है, मतलब यहाँ दो सेक्शन बने होंगे। यहाँ पे जाइएगा तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि कितना आंसर दिया है, कितना नॉट आंसर है, कितना विजिट किया है, मार्क फॉर रिव्यू सारा कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ऊपर देखने को मिलेगा, हिंदी में आपको नीचे देखने को मिलेगा। और इस बार आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे कहीं भी आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया गया। अब यहाँ देखिए, ऑप्शन भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया। तो अब आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़्यादा करना होगा, लैंग्वेज का कोई टेंशन नहीं है, अब सबके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अलग है, तो मुझे लगता है कि इनमें से पेंट अलग होगा, ठीक है, तो ये पेंट अलग कर दिया मैंने। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी क्वेश्चन देखिएगा, पहले ऊपर में इंग्लिश में लिखा है, नीचे में हिंदी में लिखा हुआ है, और ऑप्शन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को नहीं बनाना, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, ये मार्क फॉर रिव्यू हो गया, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू हो गया। अब इस क्वेश्चन को बनाना है कि पूछा गया है कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है, तो प्रिंटर जो है ना वो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, तो यही पूछा गया। तो जो भी आपको लगता है, मॉनिटर भी हालांकि आउटपुट डिवाइस होता है, और ये देख लीजिएगा आंसर, आप लोग जो भी होगा उसको देख लीजिएगा। अब मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं क्या करूँगा, आंसर तो मैंने किया बट मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, आंसर भी हो गया, मार्क फॉर रिव्यू भी हो गया। और दो क्वेश्चन अभी हमने क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू किया है बट उसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है ना, तो ये भी होता है, मतलब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आपने आंसर कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो आपका आंसर कंसिडर किया जाएगा। यहाँ देखिए, विल बी कंसिडर फॉर इवेल्यूएशन, मतलब इस क्वेश्चन को कंसीडर किया जाएगा जब आपका कॉपी चेक किया जाएगा, तो उस समय इसको देखा जाएगा कि आपने सही बनाया है कि गलत, अगर गलत होगा तो नेगेटिव चला जाएगा, सही होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देना है, तो इस क्वेश्चन को आप ग्रीन कर सकते हैं, आपको ध्यान देना है ग्रीन और रेड पे, ज़्यादातर ध्यान देना है ग्रीन या रेड पर, या फिर मार्क फॉर रिव्यू पे भी ध्यान दे सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता। काफ़ी बच्चों का डाउट होता है कि हमने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो अब हमारा पेपर क्या होगा, उसको काउंट किया जाएगा कि नहीं, तो काउंट किया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है।
अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो दे दीजिए आप पे। क्वेश्चन मेन आपको देखना है कि इंग्लिश में ऊपर देखने को मिलेगा, हिंदी में नीचे देखने को मिलेगा, ऑप्शन इंग्लिश में पहले देखने को मिलेगा, हिंदी में बाद में देखने को मिलेगा, और इंग्लिश वाले क्वेश्चन का ज़्यादा वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि वो डिफॉल्ट लैंग्वेज है। और यहाँ देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा सब जगह, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोगों को बताना था कि इंटरफेस इसी तरह होगा, केवल यहाँ पे एक और सेक्शन बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए पूरा ग्रुप का दिखाएगा, मतलब यहाँ पे ऊपर में देखिए पूरे ग्रुप में, मतलब दो सेक्शन होगा तो पूरे ग्रुप में आपने अभी तक कितना अटेम्प्ट किया वो भी आपको दिखाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्रॉपर सेक्शन का आपको दिखाएगा कि कितना अटेम्प्ट किया है, कितना आपने बनाया हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ प्रॉपर दिखाया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे कॉलम बना होगा, यहाँ पे टाइम आपको दिखाया जाएगा, ये भी चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे टाइम दिखाया जाएगा। यहाँ पे चाहे तो आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं दोबारा से, अगर आपको फिर से इंस्ट्रक्शन देखना है, आप लोग को कोई डाउट है तो यहाँ से दोबारा से देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, जितना भी था सबमिट आप कर नहीं सकते, जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, टाइम बीत जाएगा तो सबमिट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और कोई इसमें फीचर्स नहीं है। मान लीजिए कि मैंने ये आंसर दिया, अब मुझे लगता है कि ये आंसर मैंने गलत दे दिया, तो मैं क्या करूँगा, क्लियर रिस्पॉन्स कर दूंगा, तो वो रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए आंसर दिया मैंने और रिस्पॉन्स से क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं आप। चाहे तो इस जो रिस्पॉन्स है उसको भी क्लियर कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट का मैंने ऑप्शन बता दिया, आंसर देने के बाद भी बता दिया। अगर केवल मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो काउंट नहीं किया जाएगा, वो कब होगा, जब आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते हैं तब। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑप्शन मैंने हटा दिया, अब मार्क फॉर रिव्यू किया, अभी इस क्वेश्चन को आपने केवल जांचने के लिए कि बाद में इसको बनाया जाए, इसलिए आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ठीक है, बुकमार्क जैसा। अब इसका आंसर दे दीजिए आप, इसका आंसर दे दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, तो आपका वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है ग्रीन पे, रेड पे और आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू पे आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए और उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, तो आपको ध्यान में रहेगा, तो ये काम कीजिएगा, तभी आपका क्वेश्चन काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन देना था सभी मैंने देने का कोशिश किया, और ये दोनों एग्जाम का इंटरफेस होगा, पीओ का भी होगा यही और कलर का भी सेम होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, इससे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके इस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, केवल आप लोग को बताना था कि इंटरफेस कैसा होगा ग्रामीण बैंक पीओ और क्लर्क का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।